टोनी। दोस्तों, हमारी आज की कहानी बहुत ही ज्यादा गर्म और हॉट है, जिसे देखकर आपका भी टुनटुना जग उठेगा। सो वीडियो को ध्यान से और संभल कर देखना। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ कि यह स्टोरी थोड़ा वियर्ड है, जो हमारे देश के कल्चर के हिसाब से बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। दोस्तों, आज की कहानी हमारी एक लड़के के बारे में है जो होमोसेक्सुअल है, लेकिन उसकी मदर उसे सेक्स करना सिखाती है। सो अब इंट्रो काफ़ी हुआ, अब हम आते हैं वीडियो पर। वीडियो पर आने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पर रिस्पॉन्स ज़रूर दें, वीडियो को लाइक डिसलाइक करके या अपना ओपिनियन कमेंट देकर भी कर सकते हैं। हमारी मूवी का नाम है सैवेज ग्रेस, जो साल 2007 में रिलीज हुई थी। इस वीडियो की स्टार्टिंग में हम पावरा नाम की एक काफ़ी ब्यूटीफुल लेडी को देखते हैं, साथ ही उसके हस्बैंड ग्रुक को भी देखते हैं। इन दोनों का एक बेटा होता है जिसका नाम टोनी है, लेकिन ग्रुक अपने बेटे टोनी को ज़्यादा प्यार नहीं करता, वहीं उसकी माँ बावरा उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती है। अब यह दोनों एक पार्टी में जाने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन अपने बेटे की देखभाल के लिए मेड को घर पर ही रोक कर जाते हैं। पार्टी में आने के बाद सारे आदमी बावरा को ही देखते हैं, क्योंकि बावरा सचमुच काफ़ी हॉट एंड सेक्सी लग रही थी। फिर फाइनली बावरा एक टेबल पर बैठ जाती है और अपने दोस्त के साथ डिनर करती है, जहां बावरा अपने एक फ्रेंड सुमन से पूछती है कि वो $10 के लिए किसी इंसान का मीट खा सकती है, पर सुमन मना कर देती है। फिर बाद में बावरा अपने हस्बैंड ग्रुक से पूछती है कि वह $10 मिलियन के लिए सुमन के साथ सो सकता है, लेकिन ग्रुक बावरा के इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं देता, इवन उसे बहुत गुस्सा आता है। अब दोबारा बावरा ग्रुक से पूछती है क्या वह पार्टी के बाद मुझे किसी आदमी के साथ देख सकता है, तो ग्रुक गुस्से में कहता है कि हाँ, आप जा सकती हो, और होता भी ऐसा ही है। पार्टी खत्म होने के बाद बावरा एक अनजान आदमी से लिफ्ट लेती है और उसके साथ चली जाती है, और ग्रुक अपने घर आ जाता है और लेट जाता है। अब रात में बावरा घर आती है और टोनी को देखने के लिए झुकती है, फिर ग्रुक उसे पीछे से काफ़ी अजीब नज़रों से देख रहा होता है। अब हमें कुछ साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां टोनी काफ़ी बड़ा हो गया था और वो अपनी मॉम के साथ ही रहता है। उसके डैड ग्रुक अक्सर बिजनेस के लिए बाहर ही रहते हैं। फिर एक दिन बावरा और टोनी बाहर घूमने जाते हैं, जहां बावरा टोनी से पूछती है कि बेटा, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, तो टोनी बोलता है, माँ, मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा आपसे प्यार करता हूँ, आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो बावरा बोलती है, क्या सचमुच तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, तो टोनी बोलता है, हाँ माँ। फिर कुछ दिन बाद ग्रुक अपने फ्रेंच दोस्तों को लेकर घर आता है और अपनी फैमिली टोनी और बावरा से इंट्रोड्यूस करवाता है, लेकिन बावरा अपने बेटे टोनी को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलती है कि मेरे बेटे को काफ़ी अच्छी फ्रेंच आती है और यह आप लोगों को एक फ्रेंच बुक पढ़कर दिखाएगा। लेकिन टोनी फ्रेंच बुक को अच्छे से नहीं पढ़ पाता और एक गेस्ट टोनी का काफ़ी मजाक उड़ाता है और बोलता है कि तुम तो बोल रही थी कि इसको काफ़ी अच्छी फ्रेंच आती है, पर यह तो एक वर्ड भी नहीं पढ़ पाया। अपने बेटे का मजाक बनाने पे बावरा उस गेस्ट से गुस्सा हो जाती है और उन्हें चिल्लाते हुए घर से बाहर निकाल देती है। अब ग्रुक बावरा से गुस्सा होकर रात में एक होटल में जाकर रुकता है, लेकिन रात में बावरा ग्रुक को होटल में मनाने जाती है, लेकिन वह मनाने की बजाय उसके साथ वहीं गुपचुप गुपचुप करने लगती है, यानी कि आप समझ गए होंगे क्या करने लगती है। फिर अगली सुबह यह दोनों घर आते हैं तो देखते हैं कि टोनी के बिस्तर पर कोई और लड़का सो रहा है और टोनी बाथरूम में नहा रहा है, लेकिन यह देखकर ग्रुक को काफ़ी गुस्सा आता है और हमें यहाँ पता चलता है कि हमारे टोनी भाई थोड़े से बीच के आदमी हैं। थोड़े क्या, मतलब पूरे ही बीच के हैं। फिर हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ टोनी अब बड़ा हो चुका है, मैच्योर हो गया है और अपने दोस्त जेस के साथ एक बीच पर सुट्टा बार इंजॉय कर रहा है और लड़कियों को ताड़ रहा है। फिर अगले दिन टोनी को उसी बीच पर ब्लैंका नाम की एक हॉट लड़की दिखाई देती है और ये दोनों लोग बात करते हैं और बात करते हुए वह टोनी के साथ काफ़ी क्लोज हो जाती है। फिर अगले दिन वह ब्लैंका के बारे में अपने पेरेंट्स को बताता है तो बावरा सोचती है कि फाइनली मेरा बेटा माचोर मैन बन गया है, और इसलिए बावरा टोनी के इस कारनामे से काफ़ी खुश होती है। वाह बेटा वाह, मौज कर दी। अब नेक्स्ट डे टोनी के पेरेंट्स ब्लैंका से मिलने जाते हैं और उसे लेकर पार्टी करने के लिए एक बार में जाते हैं, लेकिन पार्टी में ग्रुक ब्लैंका पर डोरे डालता है, यानी कि अपने बेटे की गर्लफ्रेंड पर डोरे डालता है। जी हाँ,
फिर रात को यह चारों लोग एक होटल में रुकते हैं। वहां टोनी और ब्लैंका एक ही रूम में सोते हैं और रात में पहली बार टोनी किसी लड़की के साथ गुपचुप गुपचुप करता है, लेकिन थोड़ी देर में उनकी पिचकारी की दम निकल जाती है और वो ठंडे पड़ जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद हम बावरा को देखते हैं जो किसी काम से एयरपोर्ट पर गई थी, पर वहाँ उसे ग्रुक और ब्लैंका एक साथ दिखाई देते हैं। तब बावरा समझ जाती है कि ग्रुक और ब्लैंका का चक्कर चल रहा है और यह गर्म सीन देखकर वह गुस्से से वहां से निकल जाती है और गुस्से की वजह से वो एक टैक्सी ड्राइवर के साथ अपनी गुल्लक की छेद में पानी भरवाती है और शांत होती है। फिर घर आ जाती है, पर यहां आकर वो अलग ही नज़ारा देखती है। वह देखती है कि उसका बेटा टोनी अपने दोस्त जयक के साथ पलंग तोड़ रहा है और यह देखकर उसे काफ़ी गुस्सा आता है। फिर कुछ दिनों बाद वह अपने बेटे टोनी को ग्रुक की सच्चाई बता देती है कि ग्रुक और तुम्हारी गर्लफ्रेंड ब्लैंका का चक्कर चल रहा है। फिर कुछ दिनों बाद अकेले होने की वजह से बावरा भी एक फ्रेंड बना लेती है जिसका नाम सैम होता है और वह उसी के साथ रहती है और सैम भी उसका काफ़ी अच्छे से ख्याल रखता है, मतलब उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करता था जो ग्रुक पूरा नहीं कर पाता था। फिर नेक्स्ट डे टोनी भाई सैम से बात करते हुए देखे जाते हैं, जहां टोनी को पता चलता है कि सैम भी टोनी का एक जुड़वा भाई है, यानी कि वह भी होमोसेक्सुअल है, मतलब बीच का। फिर नेक्स्ट डे जब वह नहा रहा था, फिर वो बेड पर सैम और अपनी मॉम को देखता है तो वह भी इस मूवमेंट को एंजॉय करने के लिए उनके साथ लेट जाता है। पर नेक्स्ट डे बावरा सैम को अपने बेटे के साथ ऐसा करने के लिए काफ़ी डांटती है कि तुझे मेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अब कहीं ना कहीं टोनी अपने डैड ग्रुक को एक और मौका देना चाहता था, तो वो इसलिए एक लेटर लेकर ग्रुक के घर जाता है और वो उस लेटर को बाहर मिट्टी में छुपाने लगता है, लेकिन ब्लैंका उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और वह बाहर आती है, पर टोनी लेटर को वहीं मिट्टी में गाड़ कर भाग जाता है और उस लेटर में लिखा था, डैड हमें आपकी बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ आप वापस आ जाओ। और इधर घर पर बावरा एक पेंटिंग बना रही थी और पेंटिंग बनाते हुए रोने लगती है कि तभी उसके पास सैम आ जाता है। उसे संभालते हुए यह दोनों लोग पलंग तोड़ क्रिया आरंभ कर देते हैं। इधर टोनी भाई जब घर आ जाते हैं तो वो देखते हैं कि सैम और उसकी मदर लगे पड़े हैं, तो वह भी उनको ज्वाइन करता है और फिर यह तीनों लोग थ्रीसम खेलते हैं। फिर कुछ दिनों बाद सैम को टोनी और बावरा को छोड़कर दूसरे शहर जाना पड़ता है और सैम उन्हें बाय बोलकर चला जाता है। पर काफी दिन बीतने के बाद बावरा अकेले होने के कारण डिप्रेशन महसूस करती है और कई बार तो सुसाइड करने की भी कोशिश करती है, लेकिन टोनी उसे बचाने के लिए जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है। फिर नेक्स्ट डे ग्रुक और बावरा के एक फ्रेंड टोनी से मिलने आते हैं। वो टोनी को बताते हैं कि तुम्हारे डैड ग्रुक अजीब किस्म के साइको इंसान है और वह बिल्कुल भी ठीक आदमी नहीं है, तुम लोगों को उनसे दूर रहना चाहिए। फिर कुछ दिनों बाद हम बावरा और टोनी को एक फैनल में देखते हैं जहां ग्रुप और ब्लैंका भी आए होते हैं, लेकिन ग्रुक अपने बेटे टोनी और बावरा से बिल्कुल भी बात नहीं करता और कुछ महीनों बाद बावरा और टोनी लंदन शिफ्ट हो जाते हैं, जहां बावरा और टोनी नए नए दोस्त बना लेते हैं। फिर कुछ दिनों बाद बावरा अपनी एक फ्रेंड से मिलने जाती है और घर आकर टोनी बावरा को बताता है कि मेरा भी एक गे फ्रेंड बन गया है, पर यह सुनकर बावरा को अच्छा नहीं लगता कि उसका बेटा एक गे है, इसलिए वो उसकी इस आदत को छुड़ाने के लिए उसे शेड्यूल करने की कोशिश करती है और शेड्यूल करते हुए ये दोनों लोग खुदाई शुरू कर देते हैं और काफ़ी दिनों तक ये लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ दिनों बाद टोनी की दिमागी हालत ख़राब हो जाती है और फिर इसके कुछ दिनों बाद टोनी और बावरा में इसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है और साइको टोनी चाकू से अपनी मॉम को मार देता है और मारने के बाद वह पुलिस को कॉल भी करता है और पुलिस के आने तक वो नूडल्स बॉक्स लेकर अपनी मदर की डेड बॉडी के पास ही बैठकर खाता है। और जब पुलिस वाले वहां आते हैं तो देखते हैं कि यह डेफिनेटली मेंटल हो चुका है और इसलिए पुलिस वाले उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज देते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद हमें पता चलता है कि वहां टोनी ने भी सुसाइड कर लिया है। और इसी के साथ हमारी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।